वर्ल्ड कप में अपने दोनों मैच जीतकर टीम इंडिया के इरादे बुलंद है। दक्षिण अफ्रीका और फिर ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद विराट की अगुवाई वाली टीम की नज़र अब न्यूजीलैंड के साथ मैच पर है। हालांकि गुरुवार को नॉटिंगम में होने वाले मुकाबले में टीम इंडिया के लिए चीजें आसान नहीं होंगी। टीम के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन चोटिल होकर बाहर होने पर टीम का संतुलन बिगड़ गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ अभ्यास मैच में बुरी तरह से हारने वाली टीम इंडिया फिलहाल लय में है और धवन की गैर मौजूदगी में दूसरे खिलाड़ियों को मौका देकर टीम का संतुलन बनाने की कोशिश करेगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि धवन की गैर मौजूदगी में कैसी हो सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग 11। अगर बात करें ओपनर्स की तो धवन की गैर मौजूदगी में रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल ओपनिंग कर सकते हैं, क्योंकि राहुल ने आईपीएल के दौरान पंजाब की तरफ से ओपनिंग करते हुए शानदार बल्लेबाजी की थी। अगर बात करें मिडिल ऑर्डर की तो मध्यक्रम में विराट कोहली की जगह तय है, लेकिन राहुल के ओपनिंग करने की स्थिति में टीम चौथे नंबर पर दिनेश कार्तिक को उतार सकती है। अगर बात करें विकेट कीपिंग की तो विकेट कीपिंग में कोई बदलाव नहीं होगा और टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी एमएस धोनी के हाथों में एक बार फिर से विकेट के पीछे और मध्यक्रम में बल्लेबाजी का जिम्मा होगा। अगर बात करें ऑलराउंडर्स की तो यहाँ पर जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हार्दिक पांड्या की जगह तय है। हालांकि केदार जाधव की जगह पर रविंद्र जडेजा को मौका मिल सकता है, क्योंकि जडेजा ने अभ्यास मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे अधिक रन बनाए थे। अगर बात करें गेंदबाजी की तो इस क्षेत्र में भुवनेश्वर और बुमराह की जगह तय है। हालांकि स्पिन डिपार्टमेंट में टीम सिर्फ चहल के साथ उतर सकती है और कुलदीप की जगह मोहम्मद शमी को मौका दे सकती है। बता दें कि ट्रेंट ब्रिज की पिच पर शुरू में बल्लेबाजी में दिक्कतें होती है, लेकिन बाद में पिच बल्लेबाजों के अनुकूल हो जाती है। वर्ल्ड कप में अब तक इस ग्राउंड में 3 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें काफी रन बने हैं।